वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। और हम फिर आ चुके हैं आपके क्लास 11th यूपी बोर्ड के थर्ड लेक्चर में। तो क्लास यूपी बोर्ड के 11th लेक्चर में हम लोगों ने पहला चैप्टर था जो कि फिजिकल वर्ल्ड था, भौतिक जगत था, वो हमने खत्म किया था। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के बेसिक से पहले चैप्टर के बारे में। जो पहला चैप्टर है आपका वो है मेजरमेंट, मापन। मापन में हम लोगों को भौतिक राशियों के मापन और विमाएं पढ़नी है, ठीक है। तो आज हम लोग मापन से शुरुआत करेंगे। मापन थोड़ा बड़ा होने वाला है जो कि भविष्य में आपको हर जगह काम देगा, इसलिए यहां से आप चैप्टर को और ज्यादा सीरियसली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मापन। जब मापन की बात आती है तो हम मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? तो हम लोग बात करेंगे भौतिक राशियों के बारे में। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या बोला था कि भौतिकी क्या है, बताया था ना कि हमारे आसपास की प्रेडिक्शन जो हम लोग करते हैं। तो भौतिक राशियां क्या है? तो यही जो हमारे आसपास की घटनाएं हैं जो निरंतर होती रहती हैं, प्राकृतिक हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, ये जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं के मापन के लिए हमने भौतिक के राशियां बनाई, ठीक है। इनके मापन के लिए हमारे पास कुछ राशियां होनी चाहिए ताकि हम इनका मापन कर सकें। हम किसका मापन करेंगे, हमें पता तो होना चाहिए। तो हमने ऐसे क्वांटिटीज को भौतिक राशियां कहती, मतलब जो हमारे घटनाएं हो रही हैं इन राशियों को हमने भौतिक राशियां कह दी ताकि हम इसका मापन कर सकें, इसे माप सकें। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं बच्चों? तो यहां पे बात हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या है? भौतिक राशियां, ठीक है, वह सभी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, उनका आकलन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसी राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है। वह राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं, जिसकी गणना की जा सकती है, गणना की जा सकती है, भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां कहलाती है। तो बच्चे भौतिक राशियां तो हमने सुन ली, भौतिक राशियां कहलाती है। तो कौन सी राशियां हैं ऐसी हमारे आसपास, ठीक है। तो वो सारी राशियां जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ये सारी भौतिक राशियां होती, ठीक है ना। अब मापन बात करेंगे, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भौतिक राशियां हमारे पास है तो हर भौतिक राशियों को मापन चाहिए। मापन का मतलब ये होता है कि अगर आप बाजार से कोई सामान लेने जाएंगे, जैसे मान लिया सॉलिड मतलब ठोस चीज लेने जाएंगे, तो आप कहेंगे कि हमें इतने केजी दे दीजिए। इतने का मतलब होता है नंबर और केजी का मतलब उसका मात्रक हो गया। तो मापन में दो चीजें चाहिए होगी। तो भौतिक राशियों के मापन में दो आवश्यक तथ्य की आवश्यकता होती है, तथ्य की आवश्यकता होती है। कौन से तथ्य बच्चों आवश्यकता होती है? टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? तो मापन में हमको चाहिए एन और यू। अभी एन क्या होता है और यू क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको कि एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों, ठीक है, और इसका मतलब होता है इकाई और इसका मतलब आंकिक मान। ये दो चीजों की जरूरत हमको पड़ती है, ठीक है, जब किसी भौतिक राशियों का मापन करते हैं, ठीक है। एन और यू मापन हमने सीखा, न्यूमेरिकल एन के बारे में हम बात करते रहे, ये तो बात की बात है। लेकिन पहले तो ये समझेंगे हम कि इकाई क्या हो।
जब भौतिक राशियां हमारे पास होती है तो भौतिक राशियों को हम लोग अपने हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग वर्गों में रख देते हैं इसके, ताकि हम उसकी इकाइयों को माप सकें। तो हमारे पास कुछ पद्धतियां होती हैं जिसके आधार पर हम भौतिक राशियों के मात्रकों को ज्ञात करें। ठीक है, आइए समझते हैं क्या है। ठीक है, तो भौतिक राशियों को समझने से पहले भौतिक राशियां कितने वर्गों में रखी गई, तो भौतिक राशि आदर्शों दो वर्गों में रखी गई। ठीक है, भौतिक राशियों का वर्गीकरण अगर करें तो भौतिक राशियों को दो वर्गों में रखा गया। तो भौतिक राशियों को दो वर्गों में कौन कौन से वर्गों में रखा गया बच्चों? तो भौतिक राशि में पहला हमारा है मूल राशि। जब बात शुरू हुई थी हमारे भौतिकी में राशियों के बारे में जानने की तो हमारे पास कुछ खास जवाब नहीं थे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले मूल राशियों की कल्पना की, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं बच्चे इसको, फंडामेंटल हमने इसकी कल्पना की। इसमें क्या रखा गया, इसमें रखा दिया गया कि ऐसी राशियां जिनको उत्पन्न नहीं किया जा सकता वो प्राकृतिक रूप से हमारे पास होती है, ऐसी राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। तो वह राशियां जो किसी से उत्पन्न नहीं होती, किसी से उत्पन्न नहीं होती है, इनका स्वयं का अस्तित्व होता है, इनका स्वयं का अस्तित्व होता है, ऐसी राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। तो मूल राशियों में उस समय केवल तीन ही राशि दी जाती है, पहला आपका था द्रव्यमान, ठीक है, मास, उस समय पहला था आपका द्रव्यमान जिसको हम मास कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रखा जाता है लंबाई, लेंथ, और एक और शब्द जो हमारी लाइफ में जुड़ा हुआ है जिसका नाम है समय, टाइम। ये तीन ही राशियां उस समय हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक है, मूल राशियों में इनको रखा है। फिर बात आती है व्युत्पन्न राशियों। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, वह राशियां जो किसी मूल राशियों से मिलकर प्राप्त होती है, ऐसे राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, डिराइव क्वांटिटी कहते हैं बच्चों। ठीक है, डिराइव क्वांटिटी वह राशियां जो मूल राशियों से मिलकर प्राप्त होती है क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है बच्चों। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। जैसे आप मान सकते हैं क्षेत्रफल, एरिया, तो बच्चों एरिया जो है वो क्या है, वो दो लंबाई मतलब लेंथ और चौड़ाई से मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चाल क्या है, दूरी बटा समय से प्राप्त होता है। तो ये क्या देख रहे हो आप, ये जितनी भी राशियां हैं वो राशियां डिराइव्ड में मतलब कि व्युत्पन्न राशियों में आती हैं, और ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिली हैं उन्हीं को हम व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, ये तो बात हो गई पहले, ये आप नोट ही कर लेंगे। अब बात हम लोग करेंगे कि मापन की ऐसी पद्धतियां क्या होंगी। तो मापन तो हमने बता दिया कि मापन करने के लिए भौतिक राशियों की इकाई की जानकारी होनी चाहिए। मापन की पद्धतियां ठीक है, सिस्टम ऑफ
मेजरमेंट, मापन की पद्धतियां। जब भौतिक राष्ट्रों के मापन के बारे में बात करते हैं तो भौतिक भौतिक राशियां, भौतिक राशियां मुख्यतः निम्न पद्धतियों में मापी जाती है। भौतिक राशियां निम्न पद्धतियों में मापी जाती है। कौन कौन से बच्चों? पहला पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है सीजीएस पद्धति प्रणाली, सीजीएस प्रणाली। तो सीजीएस प्रणाली बच्चों, इसमें सीजीएस में एक और नाम रखा गया इस प्रणाली का, और इसका नाम रखा गया गॉसियन प्रणाली, गॉसियन सिस्टम बच्चों, ठीक है, गॉसियन सिस्टम। इस सिस्टम में सीजीएस वही मूल पद्धतियों को ध्यान में, मूल राशियों को ध्यान में रखकर बताई गई। तो जहां पर बच्चों लंबाई, लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, ठीक है, और द्रव्यमान को बच्चों, द्रव्यमान को, मास को हम लोग ग्राम में, ठीक है, और ये एस समय, समय को सेकंड में ज्ञात कर। तो ऐसी पद्धतियां जिसके अंतर्गत सीजीएस में हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं, सीजीएस प्रणाली कहलाते हैं। ये प्रणाली बहुत कारगर सिद्ध हुई थी और कई देशों में ये कारगर चलती थी, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों एक और सिस्टम का पदार्पण हुआ था, जिसका नाम था एफपीएस सिस्टम पद्धति। सुना है आपने बच्चों एफपीएस सिस्टम? एफपीएस सिस्टम में क्या होता है? एफपीएस सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश प्रणाली में क्या रखा गया था? ब्रिटिश प्रणाली में बच्चों एफ, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, और एस मतलब सेकेंड, मतलब फुट लंबाई के लिए, लेंथ के लिए, लेंथ के लिए फुट। अब बच्चों पाउंड, पाउंड किसके लिए? द्रव्यमान के लिए, मास के लिए। द्रव्यमान क्या है? पाउंड बच्चों, पाउंड। टाइम मतलब समय, समय के लिए यू हम यूज करेंगे टाइम, ठीक है। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय में फुट, पाउंड और टाइम। तो ब्रिटिश सिस्टम में रखा गया कि अगर हम लंबाई को फुट में, मास को, ठीक है, पाउंड में, और टाइम, टाइम को इसमें सेकंड में मेजर करें बच्चों, टाइम को सेकंड में मेजर करें, तो इस प्रणाली को हम एफपीएस प्रणाली कहेंगे, ठीक है। इसके बाद एक प्रणाली और है, ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत, इस प्रणाली के अंतर्गत हम लोगों ने जाना एमकेएस सिस्टम बच्चों, ठीक है। थर्ड एम के एस सिस्टम, एम के एस सिस्टम को हम लोग फ्रांस सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, फ्रांस, फ्रांस सिस्टम। ये फ्रांस सिस्टम में क्या होता है? फ्रांस सिस्टम में एम, एम किसको बताता है? मीटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, लेंथ को हम लोग मीटर में बच्चों, के किलोग्राम, ठीक है, मास, द्रव्यमान को, द्रव्यमान को हम लोग कहेंगे यहां पे किलोग्राम। आपको बहुत अच्छे से पता है किलोग्राम में सारे सॉलिड वस्तुओं का मेजरमेंट होता है। और बच्चों एस जो है वो टाइम के लिए, समय के लिए। तो टाइम बच्चों यहां पे किसमें होता है? सेकंड, ठीक है। तो बात समझ में आ गई एमके सिस्टम क्या है। एमके सिस्टम को फ्रांस सिस्टम के अंतर्गत रखा गया, जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में रखा जाता है, ठीक है ना, बात क्लियर हुई। अब इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि इतना होने से बात रुकी नहीं, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, नोट में आप एक बात और जाने नोट में, कि जब तक धारा की खोज नहीं हुई थी, जब धारा की खोज हुई और धारा को मूल मात्रक में रखा गया था, तब ये सिस्टम का नाम बदल दिया गया था। जब धारा को क्या रखा गया?
मूल मात्रक में रखा गया, मूल मात्रक में रखा गया बच्चों, मूल मात्रक में रखा गया तब तब एम के एस ए सिस्टम से ये जाना जाए जाना गया। इसमें क्या है, एम का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और एम्पियर, ठीक है। तो इसका एम के एस ए सिस्टम के नाम से जाना जाने लगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इतना तीन सिस्टम तो ये तो बहुत अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। लेकिन 1971 में एक इंटरनेशनल बैठक हुई और इस इंटरनेशनल बैठक के तहत एक सोच रखी गई सभी के साथ, ठीक है। इसमें रखा गया कि सारी जो भौतिक राशियां हैं उन भौतिक राशियों को अलग अलग पार्ट में ना तोड़ करके उन वैज्ञानिकों के नाम पर इसे जाना जाए जिन्होंने इसकी खोज की है, इससे चीजें थोड़ी आसान और सहूलियत हो जाएगी, उसमें थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बच्चों नाम, अब बात करें एक और सिस्टम के बारे में और इसको हम फोर नाम दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए पद्धति में नहीं आता है, ये हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में रखा गया था। तो एसआई मात्रक कहते हैं बच्चों इसको, एसआई मात्रक, ठीक है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों ने भौतिक राशियों को एमकेएस में काफी हद तक सहूलियत दी और भौतिक राशियों को उनके नाम के आधार पर जाने जिन्होंने इसको खोज किया है, तो ज्यादा अच्छा। इसके आधार पर हम लोगों ने जैसे मान लीजिए बल की यूनिट खोजनी है, तो बल की यूनिट क्या रखी जाएगी बच्चों, न्यूटन रखी जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे सामर्थ्य क्या पूछा गया, तो सामर्थ्य का पूछा जाएगा तो आप सामर्थ्य का सीधे क्या लिखोगे, वाट लिखोगे बच्चों, वाट। अब इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कार्य का क्या होगा, तो कार्य का आप क्या बोलोगे, कार्य का आप बोलोगे जूल, याद है ना। इस सब साइंटिस्ट के नामों पर रखा गया। तो इस सिस्टम के अंतर्गत मतलब इस मात्रक के अंतर्गत भौतिक राशियां जिन्होंने इसके बारे में खोज की है उनके नाम के आधार पर हम इसको जानते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक, बहुत अच्छी बात। तो यहां तक जब क्लियर हो गई बात, तो अब हम जानेंगे कि भौतिक राशियों को जब मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मूल राशि और व्युत्पन्न राशियों में रखा गया तब इनके वर्ग कितने होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि मूल मात्रक के प्रकार या मूल राशियों कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल राशियों के प्रकार के बारे में बात करूं तो मूल राशियों के कितने प्रकार हो गए हैं, अब सात प्रकार हैं मूल राशियों के, ठीक है। तो मूल राशियों कितने प्रकार के होते हैं, यहां पे आप लिखेंगे हम सात प्रकार की होती हैं बच्चों, सेवन टाइप्स की, सात प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला जो आपका रखा गया उसका नाम रखा गया मूल राशियों में द्रव्यमान, इसको हम लोग मास कहते हैं, ठीक है ना, मास कहते हैं। और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहा गया, ठीक है। तो इनका मात्रक बच्चों क्या हो जाएगा, ये मात्रक हो जाएगा यहां पे, और यहां पे क्या हो जाएगी राशियां, ठीक है। पहला द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, ठीक है, एसआई के अंतर्गत इसे रखा गया। केजी का मतलब क्या बच्चों, किलोग्राम, ठीक है। दूसरा बच्चों द्रव्यमान के बाद रखा गया लंबाई, ठीक है, लंबाई लेंथ, तो इसको हम लोग रखते हैं मीटर, ठीक है बच्चों, मीटर। तीसरा याद है आपको क्या रखा गया, समय, समय टाइम, तो टाइम बच्चों टाइम का क्या होता है सेकंड, ये हमेशा से कॉमन रहा है, ये नहीं बदला बच्चों, ठीक है। तीसरा जो पदार्पण हुआ था धारा, ठीक है, याद है ना, धारा वैद्युत धारा या धारा कहते हैं, करंट, इलेक्ट्रिक करंट या करंट कहते हैं बच्चों इसको, इसका
मात्रक क्या होता है? एम्पियर बच्चों, एम्पियर, एम्पियर ने इसकी खोज की थी, ठीक है। पांचवा, पांचवा ताप, ताप को भी इसी में रखा गया मूल राशियों में। टेम्परेचर कहते हैं इसको, टेम्परेचर, टेम्परेचर बच्चों, टेम्परेचर का होता है सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस या फिर कैल्विन भी होता आपका। फिर उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं इसको, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता इसका होता है बच्चों कैंडिला, कैंडिला, ठीक है। और लास्ट, लास्ट बच्चों आपका होता है आणविक मात्रा, ठीक है, आणविक मात्रा, आणविक मात्रा, ठीक है, इसको मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर वैल्यू, मॉलिक्यूलर वैल्यू कह सकते हैं। और इसका मात्रक बच्चों क्या होगा? इसका मात्रक होता है मोल, ठीक है, ठीक है, नोट कर लेंगे आप इसी तरीके से। अब हम लोग बात करेंगे मूल राशियों के बाद व्युत्पन्न राशियों के बारे में, ठीक है।